सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। 2014 से 2019 तक लगातार हिलाने वाली घटनाएं ही सामने आती रही हैं, जो दिमाग में इस तरह की बातें भर देती हैं कि कहीं ना कहीं यह सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि क्या यह वही भारत है जिसकी कल्पना कर रहे थे वह क्रांतिकारी, जब वह अंग्रेजों की गोलियां खा रहे थे, जब अंग्रेजों की लाठियां खा रहे थे, क्या इसी भारत की कल्पना कर रहे थे वे क्रांतिकारी। हम मौजूदा समय में नागरिकता संशोधन कानून की बात तो कर ही रहे हैं, बल्कि गार्गी विद्यालय में दिल्ली के जिस तरह बलात्कारियों का एक समूह वहां प्रवेश कर जाता है, छात्राओं को पकड़ता है, छूता है, गुप्त अंगों को छूने के भी सफल प्रयास कर लेता है, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, इस तरह की घटना जिस तरह से लगातार सामने आ रही हैं वह दिमाग को हिला देती हैं और यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या यह वही हिंदुस्तान है जिस धरती की बात करते हैं हम। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नेता और अन्य उस मान्यता को मानने वाले सभी लोग जो अपने देश को भारत माता के नाम से जानते हैं, क्या उस माता के ऊपर आप, उस माता के सामने आप इस तरह की घटना को घटित करेंगे कि स्त्रियों के सम्मान को इस तरह हानि पहुंचाएंगे। आपकी हवस इस तरह बढ़ चुकी है सत्ता के नशे में कि अब तक रात के अंधेरों में यदि आप दुष्कर्म की घटनाओं को घटित करते थे, अब आपको अंधेरे या उजाले या कोई फर्क समझ में नहीं आता, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हैदराबाद में जब आरोपियों का, जो दोषी थे, उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है तो तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही थी, सब लोग कह रहे थे अच्छा हुआ, बिल्कुल अच्छा हुआ था, कानून के दायरे में नहीं हुआ था, उसकी आलोचना भी हो रही थी। बल्कि मुद्दा आज उस बात का नहीं है वह एनकाउंटर सही था या गलत था, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन तमाम सभी दंड मिलने के बाद, एनकाउंटर होने के बाद फांसी की सजा भी सुनाई गई है दुष्कर्म के आरोपियों को, उसके बाद भी इतनी हिम्मत कहाँ से प्राप्त कर पाते हैं इस तरह के लोग कि एक कॉलेज में चले जाते हैं, गेट को कूद कर जाते हैं और छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने नागरिकता संशोधन कानून से लेकर अब तक और उससे पहले भी, जब UPA की सरकार थी उस दौरान की भी हम बात कर रहे हैं, तब भी बॉलीवुड की हस्तियां हों, इतिहासकार हों और शास्त्री हों, निकल कर बाहर आते थे और सरकार से सवाल करते थे, उसकी गलत नीतियों की आलोचना करते थे। इस दौरान भी बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री स्वरा भास्कर निकलकर सामने आई हैं और जिस तरह गार्गी विद्यालय में इन दुष्कर्मियों, यह दुष्कर्मी कूद कर गए और छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है, उसकी आलोचना करती हुई नजर आ रही है अपने ट्वीट के माध्यम से। स्वरा भास्कर हो या अभी और भी प्रतिक्रियाएं आएंगी, लगातार आ रही हैं, क्या सरकार इसका जवाब देगी? जिस तरह स्वरा भास्कर को लेकर अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी सोशल मीडिया में कि वह क्यों आखिर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही हैं, अब जिस तरह वह इन स्त्रियों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं जिनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, क्या अब भी उन्हें गालियां सुननी पड़ेंगी? जिन बलात्कारियों का, दुष्कर्मियों का वह विरोध कर रही हैं और जिनकी छत्र छाया में वह पल रहे हैं, क्या उसके नेता फिर निकलकर सामने आएंगे और स्वरा भास्कर को के संबंध में अभद्र टिप्पणियां करेंगे? ये वही स्वरा भास्कर हैं जो अभी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सरकार को निशाने पर ले रही थी, अब भी वह सामने आई हैं जब स्त्रियों से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे लोग तब भी सामने आते थे जब UPA की सरकार थी। स्वरा भास्कर ने जो बयान दिया है, निंदा की है इन लोगों की, उस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।